आज का समाचार पत्र है प्रभात खबर। इस न्यूज़पेपर में जितना भी हेडलाइन है सभी को मैं बारी बारी से आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं, ताकि आपको न्यूज़पेपर की सभी जानकारी मिल सके। इस सीजन में अब तक का सबसे अधिकतम तापमान, दूसरा चरण किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर व बांका में वोटिंग, 5 लोकसभा क्षेत्रों में 58.58% वोटिंग, पहले चरण से 10% अधिक। आतिशबाजी से लगी आग, परिवार के 6 जिंदा जले, ट्रक से टकराई बारातियों से भरी बोलेरो, 4 की मौत। पोलिंग बूथ और बैलेट पेपर लूटने वालों को ईवीएम बर्दाश्त नहीं, प्रधानमंत्री मोदी। 1 मई तक प्रचंड लूट चलने के आसार। 3 मई तक होगा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन। पिस्टल के बल पर लूट मामले में 2 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में 1 को 10 वर्ष की कैद। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के नाम, निर्वाचन के पहले दिन 1 भी अभ्यर्थी ने नहीं किया नामांकन। ससुराल वालों पर विवादित की पीट कर हत्या का आरोप। शहर में पेयजल की समस्या हुई गंभीर, डबा बंद पानी पर आश्रित हुए लोग। सगे भाई ने 1.5 लाख रुपये की फर्जी निकासी की। डुप्लीकेट एप्लीकेशन नंबर वाले सैकड़ों छात्रों के परिणाम रोके गए। प्रभात खबर के संवाद कार्यक्रम में छात्रों ने लिया मतदान प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प। लोकसभा चुनाव में महिला कॉलेज की छात्राएं खुद भी करेगी मतदान, अन्य को भी करेंगी प्रेरित। मेंटर्स एडू सर्व के 41 और 28 विद्यार्थी जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई। 11 बजे तक ही होगा निजी विद्यालय में कक्षा का संचालन। आंगनबाड़ी केंद्र में पोशाक सहायता राशि का वितरण। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 28 अप्रैल से काम करेगा कंट्रोल रूम। निजी स्कूल के TC पर नामांकन नहीं लेने वाले HM पर होगी कार्रवाई। 2 स्कोर समान होने के बाद NTA ने अपनाए मापदंड। डॉक्टर प्रियंका ने संभाली PG क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष की कमान। जिले में 2 केंद्रों पर होगी इंटर की विशेष एवं कंपार्टमेंट परीक्षा। मिथिला विश्वविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रण को बनाया CET BEd का डिप्टी स्टेट नोडल ऑफिसर। प्राथमिक विद्यालय के HM के वेतन पर रोक। राज्य के विश्वविद्यालय के बैंक खाते फ्रीज होने पर अभिवीत ने RBI गवर्नर को लिखा पत्र। संस्कृत विश्वविद्यालय में अब ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म। 343 बीएड कॉलेज में 37,400 सीटों पर नामांकन के लिए CET का हो रहा है आयोजन। तेजी से बढ़ रही गर्मी शरीर को पहुँचा सकती है नुकसान। आग से बचाव के उपाय, होटलों में आग से बचाव का है समुचित इंतजाम। 24 रक्तवीरों ने किया रक्तदान। नालों व कैनालों की उड़ाई पर टिकी है जल निकासी की व्यवस्था। VIP प्रत्याशी के लिए मुकेश सहनी ने किया जनसंपर्क। निरीक्षण में अनुपस्थित पर 2 शिक्षकों से जवाब तलब। मशरूम खेती विषय पर किसानों का प्रशिक्षण। नियोजक कार्यस्थल पर शेड व प्राथमिकी उपचार की करे व्यवस्था शर्म अधीक्षक। मतदान में गांव वाले आगे, शहरवासी पीछे। लोकतंत्र का महापर्व का सेलिब्रेशन। वोटिंग सुस्त, टेंशन में पार्टियां। वोटरों ने मुफ्त खाना मूवी का लिया मजा। एम्बुलेंस से वोट देने पहुंची है हार्ट सर्जरी का मरीज। देश में UCC लागू करना PM मोदी की गारंटी। सा प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, मंच पर बहा सकते हैं आंसू, राहुल गांधी। अमेरिका में पुलिस ने भारतीय युवक की गोली मारकर कर दी हत्या। EBM VVPAT के 100% मिलान की मांग रद्द। बैलेट पेपर से नहीं होंगे चुनाव। वीजा नीति पर भारत की ही करेगा बात अमेरिका। राजस्थान का वीजा रथ रोकेगी लखनऊ। प्ले ऑफ के दौरान बने रहने के लिए जीतना चाहेगी दिल्ली और मुंबई। T20 विश्व कप में सूर्य कुमार और बुमराह होंगे अहम। युवराज सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज। बैडमिंटन, भारतीय पुरुष टीम की नज़रें थॉमस कप खिताब बरकरार रखने पर। प्रतिद्वंदी टीम को रोकने में प्रभारी नहीं रही मुंबई इंडियंस टीम डेविड। दीपिका सेमी फाइनल में 4 और पदक पक्के। दूसरे चरण के बाद जीत के अपने अपने दावे। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से पूछे सवाल, किन उपलब्धियों पर बिहारियों से मांग रहे हैं वोट। बिहार की सभी सीटें जीतेगी NDA। राजीव रंजन, केंद्र की सत्ता बदलने का दिखा जनसंकल्प। दीपंकर, समस्तीपुर में टिकट वितरण को लेकर सोनिया गांधी को लिखा पत्र। बैलेट से चुनाव की मांग पर
कर राजद फिर कायम करना चाहता है जंगल राज। 6 माह से अधिक सजायाफ्त नहीं लड़ सकेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। गर्मी को देखते हुए वाम दल ने बदली बूथ मैनेजमेंट की रणनीति। वार रूम से पार्टी पंचायत अध्यक्ष तक जाता रहा है फोन। मारुति सूजी का मुनाफा 47.8% बढ़ा, 125 प्रति शेयर देगी लाभांश। डेलाइट ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि 6.6% रहने का लगाया अनुमान। रिलायंस के वित्तीय प्रदर्शन को एसएनडीपी और पीस ने सराहा। आंख व चेहरे को चाकू से गोद कर युवक की हत्या। जय हिंद, जय भारत, जहां रहो मचाते रहो।